दुबई बेस्ड कंपनी अभी यहाँ पे हायरिंग कर रही है और जो स्टार्टिंग सैलरी कंपनी की तरफ से ऑफर की जा रही है वो है 3200 दिरहम, 3200 दिरहम आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी ऑफर की जा रही है कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा इसमें अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड है, अकोमोडेशन भी आप लोगों को कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। वीज़ा हो गया, बाकी जितने भी हायरिंग का प्रोसेस है उसमें भी कोई भी हायरिंग के चार्जेस नहीं है, कोई इनका एजेंट या कोई भी एजेंसी नहीं है, डायरेक्टली कंपनी की तरफ से हायरिंग होगी। और इसमें आप लोग जो भी यहाँ पे दुबई के अंदर यूएई के अंदर अवेलेबल है दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली जाके आप लोग इनके वॉक इन इंटरव्यूज अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप लोग का एक ऑनलाइन फॉर्म है वो भी फिल करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों जो भी डिटेल्स है वो शेयर कर दूंगा, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग डायरेक्टली जाकर वॉक इन इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। अभी ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं EFS फैसिलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट की तरफ से अभी ये हायरिंग की जा रही है। और इसमें जो उनको रिक्वायरमेंट है स्टाफ की है वो है फूड डिलीवरी बाइक राइडर्स, और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया गया सैलरी अप टू 3200 दिरहम विद एडेड पर्क्स एंड बेनिफिट्स, आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, फ्री फ्यूल एंड बाइक कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री सिम कार्ड कंपनी की तरफ से दी जाएगी। और इसमें जो लोग भी यहाँ पे हैं ऑलरेडी दुबई के अंदर वो डायरेक्टली जाके वॉक इन इंटरव्यूज को भी अटेंड कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक है, कैंडिडेट मस्ट हैव यूई टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस और होम कंट्री टू व्हीलर लाइसेंस वैलिड फॉर 3 ईयर्स, आपके पास या तो यूएई का बाइक लाइसेंस होना चाहिए या फिर अपने होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए जो कि 3 साल तक का वैलिड हो। और इसमें अगर आप लोग डायरेक्टली जाकर ये इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक ये 8 बजे से 4 बजे तक शाम को इंटरव्यूज ले रहे हैं। जो इंटरव्यूज की लोकेशन है वो EFS फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप जो कि शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है, दुबई प्रोडक्शन सिटी के अंदर है, वहां पर जाकर आप लोग डायरेक्टली ये इंटरव्यूज दे सकते हैं। या फिर अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया है, इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, जैसे ही आप लोगों को वो लिंक मिलेगा वहां पे आप लोग जाएंगे डिलीवरी बाइक राइडर्स की, आप लोगों को वहां पे पोजीशन मिल जाएगी, वहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, जैसे ही आप लोग उसके ऊपर अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इस फॉर्म के अंदर, आप लोगों ने सिंपली ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहे हैं आर यू वर्किंग इन EFS, आप लोग इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 के ऊपर आप लोगों के पास ये फॉर्म हो जाएगा जहाँ पे आप लोगों ने अपना पासपोर्ट नंबर देना है, इसके बाद अपना पूरा नाम फुल नेम नेशनलिटी मेंशन करनी है, व्हाट्सअप नंबर मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेंशन करना है, डू यू हैव यूई टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस येस है, या अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको नो कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों ने व्हेन डिड यू रिसीव योर UE2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, कौन से साल में लिया था वो आप लोगों ने मेंशन कर देना है, अपलोड UE2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों ने उसकी एक कॉपी अपलोड कर देनी है, और इसके बाद अपलोड योर CV, आप लोग यहां पे अपनी जो CV है उसको भी अपलोड कर देंगे, और उसके बाद ये जो सबमिट का ऑप्शन है यहां पे आप लोग इसको सबमिट करेंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो व्यूअर्स, होपफुली सारी डिटेल्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। वॉक इन इंटरव्यूज देने के लिए अगर आप लोगों ने जाना है तो उसकी सारी डिटेल्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और अगर आप लोग ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। उसके अलावा और भी जो वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है जिनके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिंक्स भी मैं अपडेट कर देता हूँ कॉमेंट्स के अंदर, लिंक्स के अंदर, तो वहाँ से जाके आप लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।